हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ममता। फ्रेंड्स, इंडियन फूड में चटनी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चटनी शब्द से ही मुंह में पानी आ जाता है। ये खाने को टेस्टी बनाती है, साथ ही डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होती है। किसी भी स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर को चटनी के साथ खाने से स्वाद दोगुना हो जाता है। तो आइए बनाते हैं हरे धनिया की चटनी। चटनी बनाने के लिए हम लेंगे 50 ग्राम हरा धनिया, ये 2 हरी मिर्च और ये 1 नींबू और 1 टी स्पून व्हाइट सॉल्ट है और 1/2 टी स्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टी स्पून काला नमक, 1/4 टी स्पून से भी कम थोड़ी काली मिर्च है और ये 1/4 टी स्पून से थोड़ा कम भुना हुआ जीरा पाउडर है और ये थोड़ी सी हींग है, बिल्कुल पिंच बराबर। धनिया को हम रफली चॉप कर लेंगे, हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे और नींबू का जूस निकाल लेंगे। धनिया और हरी मिर्च को हमने चॉप कर लिया है और नींबू का जूस निकाल लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये धनिया हमने इसमें एक जार में डाल दिया है और इसमें ये सारे मसाले भी हम ऐड कर देंगे और ये 1 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें डाल देंगे और 1 टेबल स्पून करीब पानी भी इसमें डाल देंगे। अब बस इसका ढक्कन लगाकर इसको बंद कर देंगे और इसको इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और फाइन पेस्ट बनने तक इसको ब्लेंड करेंगे। यदि चटनी ठीक से ना पिस रही हो तो आप इसमें पानी और भी मिला सकते हैं। थोड़ा पानी डालने से ये ठीक से पिस जाती है। अब देखिए, ये चटनी हमारी पिस गई है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। चटनी हमने सर्विंग बाउल में निकाल ली है। अब आप इसे चटनी को पकौड़े, मठरी, समोसे, खिचड़ी, तहरी के साथ एंजॉय करें। और यदि आपको चटनी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।